कभी सुना था कि वक्त कब किस और करवट ले किसी को नहीं पता, लेकिन आज देख भी लिया। पटौदी के नवाब और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने जब ईयर 1991 में एक्ट्रेस अमृता सिंह को अपनी वाइफ स्वीकार किया था, तब शायद ही कोई जानता था कि उस शादी में मेहमान बनकर आई करीना कपूर एक दिन अमृता सिंह की जगह ले लेंगी। उस बार सैफ ने अमृता को अपनी बेगम बनाया था और जब करीना के रूप में उन्हें अपनी नई बेगम मिली है। वैसे सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन जब 1991 में सैफ ने अमृता से शादी की थी तब तो उस निकाह में करीना कपूर भी अपनी फैमिली के साथ शामिल हुई थी। उस टाइम करीना ने सैफ को शादी की मुबारकबाद भी दी थी और सैफ ने उन्हें बड़े प्यार से थैंक यू बेटा भी कहा था। किसे पता था कि आगे चलकर यही लड़की उनकी जीवन साथी बनने वाली है। 1991 में सैफ अली खान ने अमृता सिंह से शादी की थी। उस टाइम अमृता सिंह और सैफ की उम्र में 12 साल का अंतर था। जिस उम्र में अमृता सिंह ने सैफ से शादी की थी उसी उम्र में करीना का विवाह सैफ अली खान से हुआ है। आज करीना अपने 30s में है और सैफ उनसे उम्र में 10 साल बड़े हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। इसी तर्ज पर करीना सैफ और अमृता के विवाह में शामिल हुई थी और अब अमृता सिंह अपने पूर्व पति सैफ अली खान और करीना कपूर के संगीत की रस्म में भी शामिल हुई थी। आपको बता दें, करीना और सैफ अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अमृता से अलग होने के 10 साल बाद छोटी करीना कपूर के इश्क में शादी तक पहुंच गए सैफ अली खान। ऐसे में सैफ की पहली वाइफ अमृता ने सैफ करीना की शादी वाले दिन सैफ ने अपनी एक्स पत्नी अमृता सिंह के लिए एक लेटर लिखा था, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इस लेटर का खुलासा खुद सैफ अली खान ने एक टॉक शो पर किया था। कॉफी विद करण के सीजन 6 के चलते सैफ ने अमृता को लिखे उस लेटर के बारे में बात की जो उन्होंने अपनी और करीना के निकाह वाले दिन लिखा था। सैफ अली खान ने लेटर करीना को भी पढ़ाया था। ऐसे में पहले तो करीना ने इस लेटर को अमृता को इसे भेजने से इनकार किया था, जिसे लेकर उनका सैफ से झगड़ा भी हुआ था। सैफ ने इस लेटर में अमृता सिंह को उनके भविष्य को लेकर बधाई दी थी। सैफ ने शो में कहा था कि जब बेटी सारा को इस लेटर के बारे में पता चला तो उन्होंने भी अपने फादर का सपोर्ट किया। सारा ने कहा था, पहले तो मैं आपकी शादी में सिर्फ आ रही थी, किंतु अब और भी अधिक खुले मन से शादी अटेंड करूंगी। इतना ही नहीं, सारा ने एक टॉक शो में कहा था कि जब अमृता को सैफ और करीना की शादी का इनविटेशन प्राप्त हुआ तो दोनों माँ बेटी सिर्फ इस बात के लिए सबसे अधिक एक्साइटेड हो गए कि सारा शादी में क्या पहनेगी और कैसे सजेगी। ईयर 1991 में सैफ और अमृता की शादी हुई थी। 13 साल के बाद ईयर 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया था। सैफ और अमृता के दो बच्चे सारा और इब्राहिम हैं, जो तलाक के बाद अपनी मां के साथ ही रहते हैं। वही हम आपको बता दें, करीना और सैफ का एक बेटा तैमूर है और जल्द ही वो दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं।